आप समझते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट था क्या? तो अच्छा गर्ल्स कम है पर वो दशा हमारी हो आज ना आने वाली गर्ल्स की वही दशा है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में समझ लीजिए ये कंडीशन यूएसए में है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में एक चुनाव प्रणाली होती है, उस चुनाव प्रणाली में संपूर्ण संविधान का एक अध्यक्ष चुना जाता है, और वही अध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख होता है। वही अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र प्रमुख होता है। संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति उसी राष्ट्र प्रमुख में क्या होती है? नियुक्त होती है। और ये कहानी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। हमने दिन समझाया भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अब तो नहीं है, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, वो एक समय स्वतंत्र देश हुआ करते थे, ठीक है? उन देशों की स्थिति ये थी कि उनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व तो नहीं था। कहते नहीं कि अकेले काम करना और मिलकर काम करने में अंतर। अकेले अकेले अगर काम करोगे, अकेले स्टडी करोगे तो इस पर सफलता प्राप्त हो लगभग 2 से 2.5 साल का समय, 3 साल का समय होगा। अगर आप इस तरह ग्रुप में करोगे तो वही सफलता आधे समय में हासिल हो जाएगी, पर ग्रुप ईमानदार होना चाहिए। अब आप कहोगे ऐसे कैसे मैडम, हमारे पढ़े हम पढ़े कभी पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर आपका 5 लोगों का ग्रुप है, विषय की 15 किताबें हैं, 15 तुमने पढ़नी है अकेले, समय लगेगा। लेकिन अगर उस ग्रुप में बांट दो तो कितनी किताबें पढ़ेगी हमें? आपकी अब 3 किताबें पढ़ना और उनके नोट्स बनाना, उनका निचोड़ निकालना आसान है कि 15 किताबें पढ़ना और उनके नोट्स बनाना, उनका निचोड़ निकालना? 3 किताबें आप पढ़ भी लोगे, उन्हें रिवाइज भी कर लोगे तो 3 सब कर देंगे, और वहाँ से सब निचोड़ निकाल लेंगे, एक दूसरे को प्रोवाइड करा देंगे, 15 किताबों का निचोड़ तुम्हारे पास हो जाएगा, जो 2 महीने में याद किया जा सकता है। तो ग्रुप में स्टडी खासतौर से स्टेट PSC और UPSC ग्रुप स्टडी बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने, हर छोटी बड़ी चीज़ का डिस्कशन हो जाता है। डिस्कशन करना चाहिए, जब फालतू की आपस में बतियाते रहते हो ना, उन फालतू की बातों से अच्छा है कि अभी हाल फिलहाल यार G20 का सबने हुआ था, बताओ कहाँ हुआ था, कौन कौन अध्यक्ष थे, कितने अध्यक्ष थे, एक दूसरे से पूछो, उसका भी क्लियर, तुम्हारा भी क्लियर, उसे नहीं आया, लेकिन ईगो नहीं आना चाहिए। क्या है ऐसा दिल्ली में, क्या नहीं है ऐसा आपके बिना नहीं? संसाधन जुटाए जा सकते हैं, सोशल मीडिया का इरादा चल रहा है, आप ये तो सोचो ही नहीं कि संसाधन नहीं है आपके पास, सारे संसाधन जुटाए जा सकते हैं। आप दिल्ली की किसी भी अच्छी कोचिंग की क्लास आप यहाँ पर बैठे बैठे लैपटॉप से ले सकते हैं, पेमेंट देते हैं। अब सोचो अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी 1 से 1.5 लाख, लेकिन यदि आप यहाँ रहो 5 लोग, एक ही लोग वो ले लो, सारे 5 लोग पैसे जोड़ के सब्सक्रिप्शन ले लो, और एक लैपटॉप और
एक रूम में बैठ के पांचों लोग स्टडी नहीं कर सकते, 1.5 लाख आपस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि फिर वही बात आके अटक जाती है, हम इसे ही मान जाते हैं। बोले अच्छा तुम अपने घर का ही पढ़ो, हम अपने घर का, तुम अपने नाम से सब्सक्रिप्शन का ले हो, तो हम तुम्हारे अपने नाम। तो यही समस्या, समस्या यही है। अगर ग्रुप में स्टडी करोगे और ग्रुप ईमानदार है तो काम अच्छी तरीका से, सफलता अच्छी तरीका से मिल जाए, पर ईमानदार ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल होता है, यही समस्या है। तो आप ग्रुप बना लीजिए, अभी भी समय है, ग्रुप बना लीजिए, ईमानदारी से स्टडी कीजिए। यूपीएससी घर से ही निकाली जा सकती है, जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाओ, जरूरी नहीं है कि आप इंदौर जाओ, पर लगन होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक दिन के लिए दिल्ली जाना, चले जाए, किताबें ले आते हैं, का हिंदू पीएमपी नहीं आता है उसकी भी व्यवस्था हो जाए। करने वाले सब कर लेते हैं, और ना करने वाले के पास 1 लाख बांधने होते हैं, या ये नहीं है, वहां वो नहीं है, फलाना दूसरा, तो ये भी है। अब क्या करें, अमेरिका में जो 50 राज्य हुआ करते होते हैं, तो एक समय का 50 देश हुआ करते थे, उन 50 देशों का अपना कोई अलग अलग विश्व मंचीय अस्तित्व नहीं था, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया कि देखो भैया, हम आपस में जो व्यापार करेंगे वो अपने अपने नाम से करेंगे, लेकिन हम विश्व मंची अगर व्यापार करेंगे तो एक ही नाम बनाइए जिससे कि हम विश्व मंच का व्यापार कर सकें, ठीक है। तो उस नाम, उस 50 देशों का जो समझौता है, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसलिए विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का अलग अलग संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य का, केंद्र का, केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है, सबका एक ही संविधान। समझ में आ रही है कहानी हमारी, क्या क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली इस प्रकार की व्यवस्था में पाई जाती है, जितने भी व्यापार किए जाएंगे उन 50 राज्यों से, वो सब अमेरिका के नाम से किए जाएंगे। लेकिन अगर कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क से व्यापार करना चाहता है तो कैलिफोर्निया अपने नाम से, न्यूयॉर्क अपने नाम से व्यापार करता है। विश्व मंचीय व्यापार एक नाम से किए जाएंगे, आंतरिक व्यापार अपने अपने नाम से किए जाएंगे। यही कारण है कि आपने अक्सर देखा होगा कि राष्ट्रपति का जब यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है तो कैंडिडेट केवल 2 ही रहते हैं, तीसरा कैंडिडेट कभी आज तक आपने नहीं देखा। फाइनली चुनाव जो होता है, क्योंकि वो कैंडिडेट फाइनली चुनाव लड़ते हैं जो उन 50 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीत कर निकल कर बाहर आते हैं, तो वो फाइनली अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए और अमेरिका का ही राष्ट्रपति, अमेरिका का संविधान एक प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। समझ में आया, ऐसा नहीं प्रॉपर प्रधानमंत्री नहीं होता, होता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता जो प्रॉपर राष्ट्रपति के पास। अध्यक्षीय शासन प्रणाली वर्तमान समय में कहां पर है? अब आ जाइए संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की जो भूमिका है, उसमें एक संसद होती है जिसके 2 अंग होते हैं, कहीं कहीं पर 3 अंग होते हैं, ठीक है। और जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन अगर भारत के परिपेक्ष में देखा जाए तो लोकसभा, निम्न सदन में जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आती है वही क्या बनाती है, सरकार बनाती है, ठीक है। और उसका ही प्रूफ जो होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, और वही प्रधानमंत्री कार्यपालिका का क्या होता है, यह व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन में, और यह व्यवस्था भारत में, क्योंकि हमने इस व्यवस्था को यहीं से ग्रहण किया। सबसे पहले ब्रिटेन में, ब्रिटेन में दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। हमारे यहाँ लोकसभा और
तीसरे सदन को स्वीकार किया है क्योंकि हमने कुछ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी अपने अंदर समाहित किया। इसीलिए प्रश्न बनता है क्या भारतीय संविधान उदार का पहला है? नहीं भाई, हमने बहुत देखिए किसी को समझना किसी को पढ़ने में बुराई नहीं होती। हमने विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, 60। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जैसा वहां था वैसा ही हम आगे ढल लिया अपने, नहीं भाई, हो सकता है क्योंकि देखिए हम एक तो साल तो नहीं 200 साल लगभग 200 साल ब्रिटेन के गुलाम थे, वो लगभग 250 साल हम मुगल के गुलाम थे, इससे पहले हम सल्तनत, मतलब 712 से लेकर और 1947 तक सदियां बीत गई हमारी गुलामियों की जंजीरों में जकड़े रहे, मतलब हमारे जीन में शामिल हो गई गुलामी, और तो बहुत दूर की बात। ठीक है, हमारी आज भी हमारी आर्मी रक्षात्मक थी, आपके तक नहीं। हमारी आर्मी का थॉट केवल ये है कि तुम आक्रमण करोगे तो हम रक्षा कर लेंगे अपनी, हम पहली पहलवान जाकर आक्रमण नहीं करेंगे। अभी तक तुमने सुना है भारत ने किसी पर आक्रमण किया? क्योंकि भारतीय डिफेंस ही नहीं है, उसका सिद्धांत ही नहीं है। वो तो अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों में ऐसा घटना प्रतिक्रम देखने में आ गया है, चाहे वो चाइना से गलवान घाटी का झड़प हो और चाहे आपका अमेरिका से जो सॉरी पाकिस्तान से पुलवामा वगैरह ये कांड हो, तो यह स्ट्राइक है या जो कोई भी स्ट्राइक गतिविधियां हैं वो अभी हाल फिलहाल में अपनी आर्थिक डिफेंस मतलब आक्रमण दिख रही, पढ़ना तो बहुत पढ़ जाते थे, कुछ भी नहीं होता। हमने भेजी है रिपोर्ट, हमने भेजी है रिपोर्ट, हमने भेजी है रिपोर्ट, यही करते बोलो भाई अपने तो बोल लेते अपनी बिना भाई के पे नहीं होता, अगर एक सब नहीं करते उसको मार देते तो समस्या ही समाधान हो जाए। कहिए मिला के इसकी समझ में आ गई संसदीय शासन प्रणाली क्या है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, दोनों चीजें क्लियर अगर किसी की नहीं हुई हो तो बोलो जल्दी बोलो। कहीं तो दोहरी शासन प्रणाली की ओर हमारी हो गई भाई, अरे मुंह है कि नहीं पीछे वाले तब क्यों नहीं, अरे पूछिए हम तो दोहरी शासन प्रणाली में आ जाइए। दोहरी शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली कहलाती है जिसमें जिसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होती है, विधायिका का काम है रूल बनाना और कार्यपालिका का काम है बनाए गए रूलों को क्या करना लागू करना, दोनों स्वतंत्र है, किसी का किसी पर कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन ना तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा है और ना ही संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा है, दोहरी शासन प्रणाली रहती वो कहलाती है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से नहीं होता, विधायिका का चुनाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से होता है, व्यवस्था जर्मनी में देखने को मिलती है, अपने यहाँ नहीं है तो अपन लोगों को ज्यादा लेना देना इससे नहीं है, बट समझ लो कि कार्यपालिका होती कितने प्रकार। दूसरी अगली है बहुल कार्यपालिका जिसमें कोई भी सुपर पावर नहीं होता, कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति व्यक्ति विशेषों में बटी होती है, स्विट्जरलैंड में प्रणाली आज विद्यमान है। ठीक है, क्या होता है 15 लोगों की एक टीम होती है, उसमें कोई भी प्रमुख नहीं होता, डिसीजन 15 के माध्यम से ही लिया जाता है, अब ये केवल 15 कंपल्सरी नहीं 15 ही हो, सबके पास विभाग बैठे होते हैं और ये विभाग एक साल के लिए ही होते हैं, एक साल बाद तुम्हारा विभाग उनके पास उनका विभाग तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, कोई ना तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ना ही कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, सबके पास समान शक्तियां हैं और सारे निर्णय वो डिसीजन के माध्यम से ही लिए जाते हैं, तो ऐसी कार्यप्रणाली को क्या कहा जाता है बहुत समझ में आ गया। उसके बाद है आप स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका इन द सेंस नौकरशाही जिसकी तैयारी
राजनीतिक कार्यपालिका का सपोर्ट करने के लिए, देश की नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए स्थायी कार्यपालिका होती है, ठीक है, जो एक निश्चित प्रणाली के माध्यम से जिसका चयन किया जाता है, निश्चित अवधि के माध्यम से उसका रिटायरमेंट होता है, उसी कार्य प्रणाली को लाल फीताशाही या स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? और इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सारे लोग शामिल, जो सचिवालय में बैठ कर जब क्लर्क का काम करते हैं तो स्थायी कार्यपालिका का अंग होता है। और ये कार्यपालिका का व्यक्ति कभी धीरज में रिटायर नहीं होता, रिटायर नहीं होता, गुण होना चाहिए। आप लाइफ टाइम जब तक जिंदा हो तब तक शासन से जुड़े रहो, बस आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभी दो हजार, उम्र बहुत हो गई है, जमाने के रिटायर हो रहे हैं, आइए सरकार लेकिन आदमी रिटायर है क्या, बच्चे सचिव बने हुए, तो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो प्रशासन या शासन के किसी न किसी अंग के रूप में रहेंगे। उनको व्यक्ति वो ऐसा व्यक्ति है किसी के घर में घुसकर सारी खुफिया जानकारी उनके पास है, इस समय पाकिस्तान में ये सारी तो ये मैंने समझ में आ गया, दिखवा दे पहले निकाले। क्या कुछ लिखवा है तो इसमें क्या मैंने बता दिया था, मेरे करके लिखवाना है यह प्रणाली अध्यक्षीय कार्यपालिका, यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत निर्वाचक दलों के माध्यम से यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत निर्वाचक दलों के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख का निर्वाचक दलों के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख का चयन किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख का चयन किया जाता है और उसे ही कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है, और उसे ही कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है। दूसरा है संसदीय कार्यपालिका, दूसरा है संसदीय कार्यपालिका। यह प्रणाली ब्रिटेन व भारत दोनों में पाई जाती है। यह प्रणाली ब्रिटेन व भारत दोनों में पाई जाती है। इस प्रणाली में विधायिका के सदस्यों का जनता के द्वारा निर्वाचन होता है। इस प्रणाली में विधायिका के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचन होता है या चुनाव होता है। इस प्रणाली में विधायिका के सदस्यों का जनता के द्वारा चुनाव होता है और विधायिका में जो पार्टी या जो दल और विधायिका में जो दल सर्वाधिक सीटें प्राप्त कर और विधायिका में जो दल सर्वाधिक सीटें प्राप्त कर वो
वही दल कार्यपालिका का गठन करता है। जो दल सर्वाधिक सीटें प्राप्त कर पहुंचता है वही दल कार्यपालिका का गठन करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाता है। जैसे कि जब हम आपको प्रियम्बल पढ़ाएंगे प्रस्तावना, तो बड़ा मजा आने वाला है प्रस्तावना।
इसीलिए उसका संशोधन नहीं हो सकता। अब हिस्सा नहीं है तो रखा तो बात यही है ना, अगर हिस्सा नहीं है तो कोई उसमें है क्यों? मतलब भारतीय संविधान का की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का एक ऐसा कवर पेज है, जैसे रजिस्टर होता है ना, अपना रजिस्टर खरीदते हो तो ऊपर का जो कवर पेज होता है ना, अगर वो ना हो तो रजिस्टर का अस्तित्व तो नहीं, बट उसमें लिखा नहीं जा सकता, लिखा जा सकता नहीं, लिखा जा सकता। तो अगर आपसे पूछे कि क्या वो कवर पेज रजिस्टर का अंग है, तो है भी और नहीं भी, क्योंकि रजिस्टर में का काम है उस पर लेखन कार्य करना, लेकिन कवर पेज पे तो हम लिख नहीं पाते। जब हम कवर पेज पे लिखते नहीं, इसका मतलब कवर पेज उसका अंग नहीं है, अगर इस लॉजिक से सोचा जाए। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कवर पेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि अगर कवर पेज नहीं होता तो ये पेज खराब हो जाएंगे, रजिस्टर करना पड़ेगा, है या नहीं? तो वही है, तो बेरो वाले मामले में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो वही प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि इसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। 1973 में एक संत थे एक मठ के, जिनका नाम था केशवानंद भारती, दोनों भाई बहुत बड़ी मुबारकता उनका जब दिया जा रहा था, कहानी बहुत लंबी जोड़ी बनाई है, तो उन्होंने भी अपनी जमीन के लिए केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। इतना विवाद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गया अपना बेरोजगारी मामला को पलटने के लिए, और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया गया 13 न्यायाधीशों के साथ, और उसने अपने ही द्वारा दिए गए डिसीजन को क्या कर दिया, पलट दिया। इसे ही कहा जाता है न्यायिक सक्रियतावाद और न्यायिक पुनरावलोकन, अपने ही द्वारा दिए गए डिसीजन को क्या कर देना, बदल देना। और उसने 73 में बोला प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का अंग नहीं, अभिन्न अंग है, जो मूलभूत ढांचा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। 73 के बाद आगे चलकर संशोधन हो गया, 40वां संविधान संशोधन 40वां ही था, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है, 1976 में 40वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें प्रियम्बल में 3 संशोधन, समझ में आया, विनाशी राज्यों का अविनाशी। ये हो गई ना, डाउट है किसी को? नहीं है, किसी को भी नहीं है। इतना पिंच ना करें तो ये बताओ, हम इतना पिंच तुम्हें करते हैं तब तुम्हारे अंदर की आत्मा जागृत होती है,
जो लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आएगा वही सरकार बनाएगा, और वही सरकार क्या कहलाएगी? कार्यपालिका। अर्थात संसदीय कार्यपालिका में सरकार विधायिका का भी अंग होती है और कार्यपालिका का भी अंग। ठीक है, मोदी जी जब संसद में इस समय बैठे हुए हैं, विशेष सत्र चल रहा है, कल ही शायद उद्घाटन, कल ही नई संसद का उद्घाटन हुआ है, लास्ट सत्र जो है वो पुरानी संसद में मतलब संयुक्त हुआ था, द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा झंडा फहराया था, अब नई संसद में हम लोगों ने प्रवेश किया है। तो जब वो लोकसभा में बैठकर अपनी स्पीच देते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं कहलाते, वो उस समय संसद के अभिन्न अंग होकर विधायिका के सदस्य, और वो रूल और रेगुलेशन बनाने में अपना काम करते हैं। ठीक है, जब रूल और रेगुलेशन विधायिका द्वारा बन जाता है, तो वो उस रूल और रेगुलेशन को जब भारत के लोगों पर फॉलो किया जाता है, कार्य काम करवाया जाता है, तो वो कहलाती है कार्यपालिका। ठीक है, तो संसदीय में सरकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों का ही क्या होती है? अंग होती है, उसे कहा जाता है संसदीय सरकार। समझ में आया? और किसी को है कोई डाउट? उसके बाद कौन सी टीम है? बहरी अजय गांधी जी के बहरी कार्यपाली। समझिए, इसमें शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में बटी होती है, इन्हें एक दूसरे से लेना देना नहीं। राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख होता है, ये कार्यपालिका का हेड होता है। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में नहीं होते, तो कभी कभार ऐसा होता है कि इन दोनों में आपस में झगड़ा रहती है, क्योंकि विधायिका बोलती है हम श्रेष्ठ, तो कार्यपालिका बोलती है हम श्रेष्ठ, कभी कभार विधायिका के रूल कार्यपालिका उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं करती। ठीक है, उन्हें मैंने अभी हाल फिलहाल बताया, जर्मनी में शासन प्रणाली है, समझ में आ गया? ठीक है, यह एक विशेष प्रणाली है जो वर्तमान समय में फ्रांस पर जर्मनी में पाई जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत
सारे निर्णय आपसी सहमति के बाद ही लिए जाते हैं। सारे निर्णय आपसी सहमति के बाद ही लिए जाते हैं। ठीक है, ये राजनीतिक कार्रवाई का यही चर्चा हो जाए आपकी समाप्त। अगले हेडिंग आगे स्थायी कार्रवाई, स्थायी कार्रवाई कार्यपालिका में
भी पदाधिकारी शामिल होते। इस कार्यपालिका में उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं। उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता। जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता। कार्यपालिका वास्तविक धरातल पर रहकर काम कर रही है या नहीं कर रही है?
देख सक सकते हो कि क्या है। एक आवाहन देश के मुखिया के करोड़ों लोगों ने सब्सिडी, करोड़ों लोगों ने सब्सिडी क्या कर दी, सोचिए बात। ये काम तो बहुत पहले हो सकता तो हो जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन का टिकट जो लोग सीनियर सिटीजन चाहे कितने भी पैसे वाले हो, अगर वो सीनियर सिटीजन में रहते हैं तो उनका हाफ किराया होगा। तो एक आवाहन किया देश के मुखिया ने कि जो लोग किराया अफोर्ड कर सकते हैं वो सीनियर सिटीजन की संरक्षण लेना छोड़ करोड़ों लोगों ने छोड़। इसका मतलब ये संकेत है कि देश के लोग देश के लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन रास्ता दिखाने वाला जो जनधन खाते आज खुले हैं वो तो आज के 50 साल पहले खुल जाने चाहिए थे कि नहीं खुले। जो जीरो पेमेंट पर भी खाते खुल गए, जो सब्सिडी छूट डायरेक्ट आज खातों में आ रही है वो तो 50 साल पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली आज की थोड़ी ना है। प्रणाली तो उस समय की है जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ बैंकिंग प्रणाली आ चुकी थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में गठित हुआ था और वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्वतंत्रता के बाद कन्वर्ट हो गया। 1935 में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हो गया हमारा और 1949 में हमारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो फिर क्यों दिमाग में नहीं आई भाई, सोचना चाहिए था ना कि बैंकों का काम है हर व्यक्ति का खाता नहीं, हर चीज हर व्यक्ति नहीं सोच पाता। सोचा गया काम हुआ। कभी आपने कभी सोचा होगा कि कोई भी नेता देश की सोच बदल देगा? ये जो व्यक्तित्व आया है इसीलिए ऐसे ही गुणगान नहीं करते उस व्यक्ति का, पार्टी आर्टी नहीं तेल लेने, वो व्यक्ति विशेष स्पेशल है। उसने हम और आपकी सोच बदल दी। हम केला खाते तो छिक्कल फेंकने में टाइम नहीं लगाते, आज हम केला खाके छिक्कल हाथ में ले लेते, सोचते हैं कहीं 10% दिख जाए और हम उसमें डालते। ये होता है सोच बदलने का चांस। अब यहाँ बैठे कोई हम तो नहीं बदले, तो मूर्खों को नहीं बदले। इंदौर में जाके देखो और ऐसे खाके फेंक के देखो रहे बात, तो गलती से अगर पालिका वाले ने देख लिया पहले तो पकड़ के घूमेंगे, दूसरी बार 700 का चालान काट देंगे। टाइम नहीं लगेगा, चालान टाइम नहीं लगेगा। वहां की रोडें ऐसी डली रहती है जैसे घर के आंगन डले रहते हैं हमारे और आपके। घर के आंगन में पोछा नहीं लगाते हम, घर की छतों पर पोछा नहीं लगाते, वहां रोड पर पोछा लगता है। हम तो पास्ता कह के आए हो, अगर गलती से तुम्हारे लेट नंबर इस नंबर से कूड़ा नहीं निकल रहा तो वारंट आ जाएगा, भैया पूरा कार कहाँ जो काल गए, क्योंकि कूड़ा निकलना लाजमी सी बात है, पर वो फेंक नहीं रहा तो कहीं ना कहीं जा रहा है। इसलिए वो नोटिस कर लिया जाएगा कि तुम्हारे यहाँ से कूड़ा नहीं आता 10 दिन हो गए, या तो तुम बोले और अगर हो तो कहाँ डाल गए। इतनी मेहनत है, इतनी पावर खोले वहाँ की नगर पालिका में, इसीलिए तो छठा स्थान पर आज भी का आया। तो ये यही चीज, ये सोच में परिवर्तन है भाई हमारे और आपकी सोच में। पहले हमारे और आपकी उठा के कहीं पर भी ऐसे फेंक देते थे, आज हम अपनी चॉकलेट खा के भी रैपर अपने पॉकेट में रखना पसंद करते, कहीं फेंकना पसंद नहीं करते। क्यों? कहीं डस्टबिन आएगा और जाके डालते हैं। ये व्यक्ति ऐसा आ गया, अब यहाँ पर आकर विषय क्या करना है इसी से। तो जब कार्यपालिका अपने उत्तरदायित्व को सुचारू रूप से नहीं निभाती तो मजबूर हो जाती है क्या न्यायपालिका इन्हें आदेश देने के लिए और इन्हें आदेश देने के लिए, दोनों को आदेश देने के लिए न्यायपालिका मजबूर हो जाती है। ठीक है, वैसे ये तीनों स्वतंत्र हैं, ना इन्हें इनके भट्टे में टांग अड़ाने की आवश्यकता है, ना इन्हें इनके भट्टे में टांग अड़ाने की आवश्यकता। लेकिन आर्टिकल 13 ने एक चीज कह दी है कि जब कार्यपालिका और विधान
अभी हाल फिलहाल में एक प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली। ठीक है, इस व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया। अब ये व्यवस्था क्या है, दिमाग नहीं चल रहा होगा मेरे, ये है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि देश के मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया। ठीक है, लेकिन कैसे किया जाता है, तरीका क्या था, वो है व्यवस्था जिसे कॉलेजियम प्रणाली का के नाम से जाना जाता है। देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी न्यायाधीश नहीं बन सकता। एक प्रणाली होती है, पांच लोगों का एक पैनल होता है, उस पैनल में शामिल होते हैं पांच न्यायाधीश। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा, ठीक है, कुछ अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे और कुछ अदर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल। ये पांच का पैनल जो नाम सजेस्ट करके राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति मजबूर है उन्हीं नाम पर मोहर लगाने के। इस प्रणाली को कहा जाता है कॉलेजियम। और कार्यपालिका ने दिमाग लगाया, कार्यपालिका ने ये दिमाग लगाया कि इसे हटाओ और एक विधि आयोग स्थापित करो। ठीक है, और उस विधि आयोग के आधार पर मतलब न्यायाधीशों का चयन करने के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर लो, और उस न्यायिक आयोग में कुछ मंत्री भी शामिल होंगे, कार्यपालिका के सदस्य, कुछ विधायिका के सदस्य और कुछ न्यायाधीश। और करना इस प्रणाली में केवल न्यायाधीशों का पैनल है। हाँ, ठीक है, उस प्रणाली में वो कार्यपालिका को भी डाल रहे थे, विधायिका के मेंबर को भी डाल रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। किसका? कार्यपालिका का। कार्यपालिका जो सोचेगी, जिसे न्यायाधीश बनाना चाहेगी वे उसे ही न्यायाधीश। और ऐसा हुआ भी है, इंदिरा गांधी के समय में ऐसा हुआ है। इंदिरा गांधी के समय में जो 1973 में आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आया था, उस केस में जब वोटिंग हुई थी तो एक या दो मत से फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में गया था। अगर दो एक मत कम हो जाता तो फैसला उनके केशवानंद भारती के पक्ष में आ जाता। तो इंदिरा इस बात पर ठनक गई थी कि अच्छा, न्यायपालिका की इतनी क्षमता मतलब हमारे डिसीजन को बदल। तो जो कॉलेजियम प्रणाली में तीसरे व्यक्ति जो मेंबर था ना, उसे मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तीसरे नंबर का व्यक्ति, जबकि पहले नंबर का व्यक्ति ही मुख्य न्यायाधीश बनता है, जो कॉलेजियम प्रणाली के लोग जो है जो सजेस्ट करके पैनल भेजता है, उसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है, जिस पर जो टिक लगा होता है, वही देश के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है। लेकिन इंदिरा ने इसमें सही हो गया कर दिया था, इसे कहा जाता है कार्यपालिका विधायिका की। ठीक है, अब तो तुम क्या कर रहे थे, अब तो तुम इस व्यवस्था को ही समाप्त कर रहे थे। और जब इस व्यवस्था को समाप्त करने का कार्यपालिका ने प्रयत्न किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस व्यवस्था को संविधान संशोधन का हवाला, संविधान का हवाला देते हुए उसको न्यायिक आयोग को अमान्य कर दिया। आज भी कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से इसे कहा जाता है न्यायिक शक्ति का। जब कार्यपालिका बहुत सारे केसों में ऐसा, आपको क्या लगता है ये सरकार तानाशाही नहीं, ये सरकार बहुत ज्यादा तानाशाही के लक्षण, बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले जाती है जो तानाशाही के रूप में होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपने अपने आप को कार्यपालिका ने रख के देख लिया, आपने एक तरफ डिसीजन ले लिया और डिसीजन सही, आप अपने आप को न्यायपालिका के पक्ष में रख के खड़ा रख करके देखो। अगर वहां खड़े रहकर वो डिसीजन सही लग रहा है तब वो डिसीजन सही है, अगर आप उस खेमे में जाकर वो डिसीजन सही लग रहा है
कह रहे थे कि पैसे दो दो उन्हें। ठीक है, आप आज भारत में खड़े हो इसलिए आपको गांधी जी वो बातें बुरी लग रही है। आप अपने आप को पाकिस्तान में रख कर देखो और फिर सोचो कि अगर घर का बंटवारा हुआ और एक लड़के के पास बहुत ज्यादा भूखार पहुंच गया और अगर उसने भाई एक कमरा यहाँ है और एक कमरा यहाँ है, अब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए ये तहे के रास्ता देना पड़े तो क्या बुराई? गांधी जी ने अगर रास्ता देने का समर्थन किया था तो बुराई क्या की थी बता रहे? वो बात अलग है, तो उनका रास्ता लेने का तरीका गलत है, वो रास्ता देने लायक नहीं है, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन बंटवारे में जो चीजें तय की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अगर गांधी ने ये सपोर्ट किया कि भैया उन्हें देना पड़ेगा तो क्या बुराई की? हम क्या करते हैं, हम जब कोई एक तरफा डिसीजन लेते हैं तो केवल हम एक खेमे में खड़े हो जाते हैं और उस खेमे के आईने से हम सामने वाले को देखते हैं, इसलिए वो डिसीजन हमें गलत लगाई देता है। कभी खुद को उस खेमे में खड़ा करके देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब जब पता चलेगा तो फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई कौन सा डिसीजन, इसीलिए क्योंकि गांधी ना तो कांग्रेस में शामिल थे, वो कांग्रेस के सदस्य तो थे नहीं, संविधान सभा के मेंबर तो थे नहीं, संविधान तो उन्होंने बनाया नहीं था, ना ही वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में के अंग थे, ना ही उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहा था कि तुम ऐसा ऐसा विभाजन कर, वो तो किसी भी पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब उन्हें दिखाई दिया, जब विभाजन हो गया तो तुम लोगों ने उस विभाजन को स्वीकार कर लिया, वो तो विभाजन के भी पक्ष में नहीं थे, तो विभाजन उन्होंने कई बहुत ज्यादा प्रयत्न किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने की एक जिद थी कि अगर लोग हमें देश का प्रधानमंत्री बना दोगे तो हम विभाजन रोक देंगे। अब सामने हमें तो ना प्रधानमंत्री सामने वाले बंदे को बनना था ना राष्ट्रपति बनना था, क्योंकि वो राजनीति में था ही नहीं, तो वो क्या बनता क्या कुछ नहीं, उसे क्या पड़ी थी विभाजन रोकने की? वो जवाहरलाल नेहरू के पास था, बोले ऐसे कर दिया तुम राष्ट्रपति बनो, विभाजन रुक जाए स्टेटमेंट का बहुत मना कर दे, जवाहरलाल नेहरू मना कर दे। तो यही सारी चीजें, कभी भी इतिहास या संविधान कोई भी विषय पढ़ो तो एक विचारधारा बना के मत पढ़ो, ना आप कांग्रेसी हो, ना आप भारतीय जनता पार्टी को, ना आप आम के हो, ना आप केला के हो, कहीं के नहीं, आप एडी स्टूडेंट हो, विषय को एडी विषय पढ़ो, तब चीजें सबकी कमियां गलत समझ में आती। हम क्या करते हैं, कोई भी टीचर होता है, हम पार्टी विशेष को अपने हृदय में समाहित रख जाते हैं और पार्टी विशेष की विचारधारा अपने में रखते हैं और फिर हमें उस पार्टी का हर मेंबर अच्छा समझ में आता है, नहीं ना? आप यहाँ खड़े हो तो सबसे पहले तो हर पार्टी से अलग हो जाओ, तभी आप निष्पक्ष पढ़ा सकते हो, तभी आपकी स्टडी में आपको पढ़ाने में कोई पार्टी के व्यक्तित्व की झलक नहीं झलक पाएगी। और अगर आपने कह दिया नहीं मोदी जी कर रहे हो तो सब सही करते, ये चीज कुछ चीजें आज भी गलत, क्यों किसान बिल उन्हें वापस लेना पड़ा? कुछ तो था किसान बिल मोदी जी ने वापस लिया था, क्यों लिए? अगर बहुत अच्छे थे तो सारे किसानों को स्वीकार कर ले, जबकि किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं, नो डाउट, डायरेक्ट पैसा किसानों के खातों में जाता है। अगर उन्होंने 2000 बोला है कि 2021 से तुम्हारे अकाउंट में आएगी तो मतलब आएगी, पहले क्या होता था 2000 देते थे 500 मिलते थे, 1500 वो चेल खा जाती थी। राजीव गांधी ने स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से बोला था कि मैं 100 पैसे वहां से भेजता हूँ, जनता के पास एक पैसा पहुंचता है, 99 पैसे बीच गली में खा जाते। इस स्टेटमेंट को बदल दिया मोदी, बोले नहीं हम 100 भेजेंगे तो 100 आए, इसीलिए जनता खाता बोला, समझ रहे? आज किसान के लिए सबसे ज्यादा फायदा देने वाली सरकार कौन है? तो यही है, लेकिन फिर भी किसान को वापस लेना पड़ा है। तो कुछ ना कुछ हर जगह क्या होती है कमियां, समय हो गया, क्या हो गया?